ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल व्हिच साइड इज 18 मीटर, देन द एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, देख, अच्छा भुजाएं कितनी, साइड कितनी है, 18 मीटर है, तो बताइए कि इसका एरिया क्या होगा। देखिए यहाँ आइसोसेलेस में समझते हैं, ऐसा होगा ये, देखिए यहाँ आइसोसेलेस राइट एंगल जब ट्रेंगल होगा, एरिया यहाँ राइट एंगल ट्रेंगल थी 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं, समद्विबाहु समकोण है। अरे वो नहीं, यहाँ देखो यहाँ समकोण भी दिया हुआ है, 90 डिग्री तो होना चाहिए ना समकोण में, राइट एंगल मतलब समझ रहे हैं। हाँ, अब देखिए ये जो हो जाएगा बराबर, ये भुजा बराबर थी, ये दोनों एंगल 45-45 हो जाएगा, इसको कहते हैं 45-45 हो जाएगा, इसी को कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रेंगल। समझ में आया? अच्छा यहाँ ध्यान दो, अच्छा सुनो यार, दो रुक ना, बे बक बक करता है बहुत, माथा खराब कर दे रहा है, यहाँ ध्यान दो। देख अब देखो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल देखिए तो क्या वही तो है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट भी उतने है लेंथ भी उतने है, बस वही बात है, कुछ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सीधा कीजिए, हाफ बेस कितना है 12, हाइट कितना होगा 12 होगा, दो छके 12, 12 छके 72 वर्ग मीटर, 72 वर्ग मीटर कहीं पर है। वो सर 18 दिया है तो आप 12 बनाइए। ओहो चलिए ठीक है, 12 रहता इतना होता, होगा कितना 18, नहीं जी हाफ इंटू 18 इंटू 18, नहीं जी, तो दो नाम 18, 18 नाम 162 होगा रे, 162 कहीं पर है, ये हो गया आंसर आपका। क्या क्लियर है, आया समझ में? किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल पर चलता हूँ, हेलो देखिए यहाँ सवाल बाबू लोग, हाँ सवाल पर चलता हूँ, सवाल है कौन, सवाल है देखिए 15 नंबर, कितना नंबर बनाए थे, 14 नंबर बनाए थे क्या, 15 नंबर, ठीक है चलिए यहाँ ध्यान दें, एक तालाब की लंबाई 30 मीटर, एक पॉन्ड है, अ पॉन्ड ए हैविंग लेंथ 30 मीटर एंड ब्रेथ 24 मीटर, पानी की सतह 30 सेंटीमीटर नीचे उतरने के लिए कितना घन मीटर पानी उसमें से निकालना पड़ेगा, नीचे उतरने के लिए, समझ में आ रही है, हाइट हो गया 30 सेंटीमीटर, समझ में आया? ये देखिए इठो तालाब है, तालाब बना के दिखाएं क्या जी, देखिए ये है मेरा, मान लो ये तालाब है ना जी, ये देखिए लो ऐसे करके देता हूँ तालाब, ऐसा करके चौकुट्ठा टाइप का तालाब है, तो इतना पानी मान लो 30 सेंटीमीटर इस जगह से उतरेगा, ये यहाँ देखिए यहाँ से 30 सेंटीमीटर इतना दूर पानी उतारना है, अब बताइए लेंथ ब्रेथ तो है, तो हाइट एन होगा ये रे, है आया समझ में अब, है पानी एकरे में बरल रहेगा तो नहीं होगा, है क्लियर है? अच्छा अब देखिए तो कहता है कि सतह को 30 सेंटीमीटर में कितना, तो क्या करें, घन निकालना है, सीधा बात है घन निकालना है, नहीं निकालना है तो इसका, जबकि हम घन निकालेंगे वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ कितना है 30 मीटर, ब्रेथ कितना है 24 मीटर, अब पानी को सतह 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लीजिए, 100 करिएगा, अब यहाँ देखिए तो 30 2 0 खत्म हो जाएगा, अब यहाँ 24 तिया 72, 72 तिया कितना होता है, तो चलिए ऐसे ना, 2 तिया 3 तिया 9, 24 नामा कितना होता है, 20 नामा 180, 4 नामा 36, 180 36 216, 216 होगा रे, 216 मीटर क्यूब, इतना जो है कि उसको नीचे उतरना पड़ेगा, इतना घन मीटर जो है कि एरिया ही हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, कहेगा कितना पानी आएगा, तो 216 गुना 1000 अगर कर दीजिएगा इतना लीटर पानी आएगा,
पानी के बारे में अगर पूछेगा तो समझ में आया, एक मीटर क्यूब में इतना पानी आता है, 1000 से गुना कर देंगे। अगर पूछेगा कितना पानी आएगा तो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1000 मीटर क्यूब, 1000 लीटर पानी आता है, समझे। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा, माप है पानी का। चलिए आगे बढ़े क्या जी, इसके बाद इसमें सवाल है, हाँ है, चलिए अगर देखिए ये सवाल आंसर ही था ना जी, उठो अच्छा चलिए। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर किनारे के 3 घनों को पिघलाकर 3D क्यूब है, उसको मेल्ट किया गया। क्यूब मतलब क्या, अगर एक साइड 3 है तो तीनों साइड उसका क्यूब 3 ही होगा, क्यूब समझ रहे हैं। जुआ खेला है, जुआ चौकुटिया जो गोली होता है, जो हाँ लूडो छक्का में भी ले लीजिए, झंडी मुंडी में भी, हाँ हाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो, वो तुम लोग अंठाओ मत, खिलाड़ी है तुम लोग, यहाँ ध्यान दो, छग्गा टाइप का गोटी होता है, बड़ा बड़ा होता है, ऐसे करके मारेगा, ढपाक से मारेगा। चलो आगे देखिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनों को 3 क्यूब को मेल्ट किया, पिघला कर एक बड़ा घन बनाया गया, तो उसका किनारा कितने सेंटीमीटर का होगा। देख बाबू, अरे तीनों का घन को मिला दो, पहले जोड़ लो तीनों का घन। अब बताओ किसी भी घन का, क्यूब का, हम यहाँ लिख देता हूँ एक बार, पहला बार एक बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मैं प्यार से लिख रहा हूँ, देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब मतलब घन का आयतन होता है क्या, साइड का क्यूब कर देना सीधा, साइड क्यूब, बुझले बबुआ, साइड का क्यूब, यहाँ क्यूब है, क्यूब अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 32 ने देख लेना, ठीक, आया समझ में, साइड का क्यूब, भुजा क्यूब। अब देख बाबू, इसका 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कीजिएगा, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, सबको जोड़िए कितना होता है, जोड़िए तो 5, 4, 2, 5, 4, 9, 7, 16 के 6 हाथ रहा, 1, 2, 6, 8, 2, 10, 11 के 1 हाथ रहा, 1, 1, 2, 216, 216 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए बड़का जो घन बनाएंगे सबको मिला के, इसका भी तो 1 क्यूब होगा, इसका भी भुजा 1 क्यूब होगा, तो ए बराबर क्या होगा, और यहाँ 3 चला दीजिएगा, 216, गुने कर सकते हैं कि इसको 3 बार गुना किस कौन करेगा, 6 गुना 6 गुना 6, 3 6 के लिए 1 6 निकल जाएगा, तो इसका साइड कितना होगा, तो 6 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर जो भी होगा होगा, सेंटीमीटर हाँ, तो 6 सेंटीमीटर उस घन को जो बनाए बड़ा सबको पिघला के, उसका भुजा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, क्या है बोलो सर, ये ऊपर से ये जो लाए सब का करके, समझ में आया, ये सब का क्यूब करके जोड़ा, अब ये बड़का घन आया, बड़का घन का क्यूब निकाल लिया, 216 का 6 आ गया, 6 गुना 6 36, 6 का 216, क्लियर है क्या जी, आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल। अब सवाल पर आते हैं, यहाँ देखिए, अब आपका सवाल आ गया, अब हम लोग चलेंगे, अब वो एग्जाम्पल ख़त्म है, अब हम लोग सवाल पर उतरते हैं, क्या क्या सर, 1 टैप, चलिए आगे, एक नंबर से बनाइए। देखिए एक आयत है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, रेक्टेंगुलर पार्ट है, एरिया फाइंड करना है, लेंथ है 4.5, ब्रेथ है 1.2, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 4.5 इंटू 1.2 कर देंगे, सेंटीमीटर में दोनों पहले ही देख लीजिएगा, यहाँ सेंटीमीटर बराबर है कि नहीं, तभी गुना कीजिएगा, नहीं तो आँख में गुना कीजिएगा बंद करके, गलती हो जाएगा, क्या होगा जी को, तो 45 गुना 12 कर दो, 45 को 1 से गुना करेंगे 45 से होगा, होगा ना रे, 450, 45 को 2 बार गुना करेंगे 90 होगा, तो जोड़ लीजिए 0, 9, 5, 14 के 4, हाथ में 1 रहेगा 4, 1, 5, 540, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 2.5.4 0 नहीं हो देंगे तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, होगा 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर है, समझ रहे हैं, क्लियर है,
क्या जी? तो हम नेक्स्ट सवाल पर चलें क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल मेरा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर। नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। एरिया निकल जाएगा क्या? टास्क करा जाएगा ये, बना गुना कर लेना, हम सीधा बता एल इन टू भी कर लेना, ठीक? चलो वर्ग का उस स्क्वायर का एरिया निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए जिसकी भुजा लंबाई इतना है, क्या होगा? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कर लीजिएगा, हो जाएगा 26 का स्क्वायर कितना होगा? 676, और दो अंक के बाद 6.76 आ जाएगा, कहीं पर होगा, मारिए एकदम निकलिए। ए गलती आ गया समझ में? तो ये सट्ठो कट्ठो काम करना चाहिए कि आप कैसा मार रहे हैं, है कि नहीं जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है किसी वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर, क्या होगा क्षेत्रफल और परिमाप? पेरीमीटर का नहीं हो जाएगा क्या जी? यहाँ पर 49 70 का 280 हो जाएगा। तो देखिए ये, देखिए ये 20 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है, और ब्रेथ है इसका 34 मीटर 80 सेंटीमीटर। मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा निकाल ले सकते हैं?
आई थ्री।